मैं पैसे लाना भूल गया, कल दे दूंगा। ऐसा कैसे चलेगा, पैसे तो देने ही पड़ेंगे वरना अपने मिमिक्री भाई नाराज हो जाएंगे। अरे जब पैसे ही नहीं है तो कहाँ से दूं? मिमिक्री स्वागत नहीं करोगे हमारा? माल करते हैं तुबे जी, खाना खाने आ गए और पैसे नहीं लाए। कोई बात नहीं, कल दे दीजिएगा, वरना हम आपको इतना पीटेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा दर्द कहाँ कहाँ हो रहा है, समझे? ओए गुड मॉर्निंग। ओ मिमिक्री भाई, ये बताओ आज खाने में क्या स्पेशल है? आज तो इतने स्पेशल आइटम हैं, कि आप फैसला नहीं कर पाएंगे कि ये आइटम खाएं या वो आइटम खाएं। मिमिक्री भाई, मैं हूँ खाऊ चोर, ये पेट मांगे मोर। उत्तरकी, वो मेरा खाना कहाँ गया? चाचू, मेरा खाना भी गायब है। हैं? ये क्या? मेरा खाना किधर चला गया? आइडिया, चाचू, खाने का चोर तो एक ही है, खाऊ चोर। हाय एंड बाय। ओए भतीजे, जल्दी चलो पीछा करें उसका। बंदूक नी सिंह ने खाऊ चोर को पकड़ने की जिम्मेदारी हमें दी है, कैसे भी करके उस चोर को पकड़ना है। वो हो जाएगा जी, फिकर नॉट, बी पॉजिटिव। देखो वो लंच करने आ रही है, मैंने उनको कहा कि सुना है आपका खाना बहुत टेस्टी होता है, इसलिए आज आप खाना लेकर आओ, और वो लेकर आ रही है। हमारा टिफिन छुपा दो, रात को खा। मेरी किट्टी घर से भाग गई है, तुम्हारी वजह से हुआ है सब। तुम उसे पेट भर के खाना भी नहीं देते थे। उसे नॉन वेज पसंद था, लेकिन तुम उसे वेज ही देते थे। इसलिए वो घर से भाग गई। ओए पम्मी बस कर, कितने टिश्यू बर्बाद करेगी? पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते, इन्हें अपने पर्स में रख ले, तेरे ही आंसू के हैं, फिर कभी जरूरत हो तो नए टिश्यू मत यूज करना। टिश्यू पेपर की पड़ी है, मेरी किट्टी को ढूंढ के लाओ, वरना मैं रो रो के यहाँ बाढ़ ला दूंगी। ओए चाचे, तो जा किट्टी को ढूंढने और मैं बंदूकनी सिंह की हेल्प लेने जाता हूँ। तमाशा लगा रखा है, एक बिल्ली इंसान को चूहा बना देती है। अरे झिंगा सुरमई पापलेट सबको कर दिया लेट, अब ढाबे पे क्या खिलाऊंगा, सिर्फ आमलेट? एक बिल्ली इंसान को चूहा बना देती है। अरे तुम लोग सिर्फ तमाशा देखो तमाशा, यहाँ बिल्लियाँ सर पे ताज पहनेंगी और हम सब पर राज करेंगी, तुम लोग बनो गुलाम। सौ में से 80 बेईमान, फिर भी फंटुश नगर महान। एक बिल्ली इंसान को चूहा बना देती है, करो चो 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 चो। चक्कर पत्थर खट्टर पट्टर आजू बाजू भतीजा,
मैं हूँ चाचू। भतीजे बिल्ली के गले में घंटी बांधेगी कैसे, कुछ सोचो। चाचा आइडिया, बिल्ली को पकड़ना है तो मछलियाँ लेकर चलो। बिल्ली को मछली बहुत अच्छी लगती है, उसकी महक सुनकर ही किट्टी हमारे पास आ जाएगी। अच्छा चड्ढा साहब आओ, बोलो आपके जेड प्लस डिटेक्टिव एजेंसी में क्या चल रहा है? नेशनल डिटेक्टिव एजेंसीज की डांस कंपटीशन की तैयारी चल रही है। आपके यहाँ से कौन डांस कर रहा है? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आपके यहाँ से डांस करने वाला कोई है ही कहाँ, और होता तो जीतता नहीं क्योंकि हम लोग जो हिस्सा ले रहे हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली जस्ट जोकिंग। हमारी जेड प्लस एजेंसी 5 साल से ये कंपटीशन जीत रही है। अच्छा चलता हूँ, बस थोड़ा जले पर नमक छिड़कने आया था। जस्ट जोकिंग। चाचा तुम्हें ही डांस करना होगा। इस जेड प्लस डिटेक्टिव एजेंसी को तो इस बार हरा के ही रखना है। बड़ा आया राजा भोज, इसे गंगू तेली ना बनाया तो मेरा नाम भी भल्ला नहीं। वो डांस करने के लिए दिल खुश होना चाहिए और चेहरा भी बाहर से खुश दिखना चाहिए। वो चाचा तो दिल से दुखी रहता है और चेहरे पे भी 12 बजे होती है। चाचा तुम ये कंपटीशन जीत लो, मैं तुम्हारी सैलरी 2 गुना कर दूंगा। नहीं नहीं, 3 गुनी कर दूंगा, 4 गुनी बढ़ा दूंगा। ओए ओए चाचा, ओए कहाँ भाग गया? ओए तीन गुना। ओ मैंने कहा फिकर नॉट जी, हो जाएगा, बी पॉजिटिव। मैं अभी भतीजे को फोन करता हूँ, वो म्यूजिक का बंदोबस्त करके रखे। बहुत चलाक है पल्ला जी, उस सैलरी बढ़ाने की खबर से उसे खुश कर दिया। अब डांस कंपटीशन के बाद सैलरी की बात तो एकदम भूल ही जाएंगे। हाय हाय, एकदम कंजूस और मक्खी चूस है मेरे हस्बैंड। किसी को बताना मत, जाओ जाओ। चाचू, जैसा आपने फोन पे बताया था, म्यूजिक का बंदोबस्त हो गया है, चलो प्रैक्टिस करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप ही जीतोगे। ये तो सचमुच अच्छा डांसर है, इसे कैसे भी करके रोकना पड़ेगा वरना मेरी एजेंसी फर्स्ट नहीं आएगी। मुझे पल्ला साहब वॉक शॉक बाद में कर लेना, ये पहले रोटी छट्टी खा लेते हैं, बड़ी भूख लग रही है। ओए चुप कर मम्मी, तुझे तो अपनी रोटी की पड़ी है, मेरे पास आर्मी की सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की सीडी है, जब तक मैं ये बंदूक निजी को नहीं दे देता मुझे चैन नहीं पड़ेगा। ये सीडी अगर गलत हाथों में पड़ गई तो हमारी सेना का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। ओ छठ यार, गुड मॉर्निंग, तू पूरे 2 मिनट लेट है। 2 मिनट लेट होने का मतलब जानता है तू? 2 मिनट में कितने पैसों का नुकसान हो जाता है, पैसे कोई पेड़ पे नहीं उगते। अगली बार तू लेट हुआ तो तेरी सैलरी से तनख्वाह काट लूंगा। वैसे तुम्हें इस सीढ़ी के बारे में सब पता है, तो ये सीढ़ी लेकर जाओ और बंदूक निजी के हवाले कर दो। ओ मैं क्या फिकर नॉट जी, हो जाएगा, बी पॉजिटिव। कुछ सुनाई दिया? हाँ हाँ जिज्जे, इस भल्ला के पास ही वो सीक्रेट सीढ़ी है, अगर वो अपने हाथ लग गई तो कम से कम 2-3 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। पीछा करो जल्दी। डंका चाचा, सीढ़ी बचानी है तो हमको कहीं तो छुपना पड़ेगा। वो
सामने वाली बिल्डिंग एकदम सही लग रही है। जब डंका आगे निकल जाएगा तो हम चुपचाप यहाँ से निकल के बंदूक नीजी के पास चले जाएंगे। चाचू, स्कूटर ठीक से पार्क नहीं किया क्या? वो देखो रोड पे जा रहा है, डंका ने देख लिया तो वो यहाँ आ जाएगा। ओ सॉरी पतिजे, शायद जल्दी जल्दी में ठीक से पार्क नहीं किया। तू यहाँ से हिलना मत, मैं स्कूटर अंदर लेके आता हूँ। स्कूटर चाचा आप ठीक तो है ना? ओ मैं ठीक हूँ पतिजे। अरे चीजें संभल के। चाचा का स्कूटर यहाँ है, मतलब वो दोनों इसी फैक्ट्री में कहीं छुपे होंगे। जिसके किस्मत में जितना है उतना ही मिलेगा। हाथ ऊपर कर लो दोस्तों, अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा।